मूवी की कहानी एक चंदन की लकड़ियों की स्मगलर पुष्पा राज की कहानी होती है, जो बहुत ही एटीट्यूड वाला लेकिन कभी ना किसी के सामने झुकने वाला व्यक्ति होता है। इसमें दिखाया जाता है वो कैसे एक बड़ा स्मगलर बनता है। वो एक बार गाड़ी में बैठ के चंदन काटने वाले लोगों के साथ चला जाता है और जंगल में चंदन की लकड़ियाँ काटने के काम करते हैं। जैसे उन्हें पता चलता है पुलिस आ रही है, सब लोग भागने करते, लेकिन वह उन्हें रोकता है और उन्हें गाइड करता है कि इतनी मेहनत से काटा है। फिर वह उस माल को उसके आइडिया के हिसाब से छुपा देते हैं, लेकिन पुलिस उसे फोर्स करती है पर नहीं मिलता। वह उन सारी लकड़ियों को बांध के पेड़ों के ऊपर लटका देते और पुलिस उन्हें ढूंढ के चली जाती पर कुछ नहीं मिलता। उसे जेल में पकड़ लेते हैं, फिर उसे उसका सरनेम पूछते हैं, लेकिन उसका कोई सरनेम नहीं होता है क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ से शादी नहीं की होती, इसलिए उसका उसके नाम के आगे सरनेम नहीं लगता, जिसकी वजह से उसकी पिता के बड़े बेटे उसे कभी अपने खानदान का वारिस नहीं समझते और उसे हमेशा उसकी इंसल्ट करते हैं और उसकी माँ को एक आवारा और बच्चलन समझते हैं। चंदन के इस सिंडिकेट को चलाने वाले तीन भाई होते हैं। पहला जोली रेड्डी, जो एक्टर की होता है, हर नई लड़की के साथ सुहागरात मनाता है। दूसरा जक्का रेड्डी, जो अकाउंटेंट होता है और हिसाब किताब संभालता है क्योंकि वह पढ़ा लिखा होता है। तीसरा होता है कोंडा रेड्डी, जो एकदम आड़ू होता है, मार काटने का काम करता है। ये तीनों मिलके इस एरिया का पूरा सिंडिकेट संभालते हैं। एक बार पुष्पा उनका माल एक कुएं में छिपा देता है पुलिस से, फिर यही माल वह उन लोगों को बताने के लिए उनसे 5 लाख रुपए लेता है। इसी क्रिएटिव आइडिया की वजह से वह सारे लोग उन्हें पसंद करते और कोंडा रेड्डी को वह सबसे ज़्यादा पसंद होता है। कोंडा रेड्डी को वह अपना आइडिया बताता है कि कैसे हम पुलिस को चकमा दे के माल निकाल सकते हैं। वो एक नया टैंकर बनाता है जिसके नीचे तो चंदन की लकड़ियाँ छुपाई जाती है और ऊपर से उसमें दूध भरा जाता है ताकि पुलिस जब चेक करे तब उसे लगे कि ये एक दूध का टैंकर है। जब वह टैंकर चेक पोस्ट से पास होता है तब उसे चेक करती है पुलिस, लेकिन उसमें दूध मिलता है और वह कभी पकड़ा नहीं जाता। तभी एक दूध देने वाली लड़की श्रीवाली से उसे प्यार हो जाता है और यह एक तरफा प्यार होता है। शुरू में वह उसे प्यार नहीं करती। जब वह टैंकर एक बार चेक पोस्ट से बाहर जा रहा होता है तब पुलिस उसे पकड़ लेती है और उन लोगों को खूब मारती है। उसमें एक श्रीवाली के पिता भी होते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ने की बजाय कहती है तुम मेरे लिए काम करो। इन सारे सिंडिकेट का मुखिया होता है मंगलम सीनू, जो सारे ट्रकों को सारे चेक पोस्ट से पार करवाता है और उन्हें तमिलनाडु में किसी मुर्गन के हाथों बेचता है। एक बार वह पुलिस से बचने के लिए अपना सारा माल कोंडा रेड्डी के एक अड्डे में छुपा देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि पुलिस रेड डालने आ रही है। तभी पुष्पा राज उन सारे माल को नदी में बहा देता है और अपने दोस्त को पैसे दे के डैम के गेट बंद करवाने के लिए भेज देता है। सारा माल सारी लकड़ियाँ नदी में बह के आगे बढ़ती रहती है और उसका दोस्त जाके डैम के गेट बंद कर देता है जिससे सारा माल वहीं रुक जाता है। यही क्रिएटिव आइडिया की वजह से वो बहुत फेमस हो रहा होता है अपना सिंडिकेट में और वो पुलिस वाला उससे हार मान लेता है और परेशान हो जाता है। जब वह अपनी शादी के लिए श्रीवाली के घर पे जाता है तब उसका सौतेला भाई वहाँ आ जाता है और उसे अपना सरनेम लगाने के लिए इंसल्ट करता है, लेकिन वह गुस्से में आके उसे मार पीटने की कोशिश करता है। पुष्पा को सब याद होता है कैसे उसकी माँ को उसके पिता के मरने पर उसके सौतेले भाइयों ने धक्के मार के घर से बाहर निकाला होता है, हमेशा उससे उसकी इंसल्ट की होती है, उसे बेइज्जती के साथ जीना पड़ता है, इसलिए वह कहता है मैं कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। वह अपनी रेट बढ़ाने के लिए मंगलम सीनू के घर पर पहुँचता है। तभी मंगलम सीनू एक आदमी को उसी टाइम मार के उसकी इंक्वायरी लेता है, लेकिन पुष्पा राज भड़क जाता है। वहाँ बहुत तेज मारपीट होती है, एक एटीट्यूड वाला सीन होता है जो सारे लोगों को पसंद आया होता है। दूसरी ओर पुष्पा अपना माल तमिलनाडु में मुर्गन को बेचने चला जाता है। वह इस तरह के माल को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि कभी उसने ऐसा माल नहीं देखा होता है। वह अपने माल की डिलीवरी मुर्गन के गोदाम में देता है और रेट फिक्स करते 1.5 करोड़। मुर्गन इससे बहुत इम्प्रेस होता है क्योंकि उसने कभी ऐसा माल नहीं देखा होता है और वो पुलिस के जो एजेंट होते हैं उसमें श्रीवाली के पिता भी होते हैं, उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। तभी जोली रेड्डी मौके का फ़ायदा उठाता है और श्रीवाली को कहता है तुम मेरे साथ सो जाओ, मैं तुम्हारे पिता को छोड़ दूंगा, लेकिन वह उस पुष्पा के पास चली जाती है। तभी पुष्पा उस जोली रेड्डी को बहुत तेज मारता है और उन दोनों के बीच में बहुत मारपीट होती है। वह उसके हाथ पांव तोड़ देता है और उसे अपाहिज कर देता है और ठीक होने के लिए वह अस्पताल में पड़ा रहता है। यह बात कोंडा रेड्डी को पता चल जाती है और वह उसके धोखे से उसे अपने जंगल में अड्डे में ले जाता है और वहाँ उसे मारने की कोशिश करता है और उसको जिंदा गाड़ने के लिए उसकी कब्र
खोद लेते हैं। जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है तब मंगलम सीनू के लोग हमला कर देते हैं और उसमें कोंडा रेड्डी को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। जंगल में बहुत तेज फाइट होती है, सारे एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। पुष्पराज इन सबको मार देता है और लास्ट में वह मंगलम सीनू के साले को मार देता है। सारे सिंडिकेट वाले लोग MLA की बात मांगते होते इसलिए मीटिंग फिक्स करते और MLA पुष्पा को उस सिंडिकेट का नया बॉस बना देता है और कहता है कि एक बार मेरे ऊपर भरोसा दे के मैं तुम्हें बहुत प्रॉफिट कमाऊंगा। तभी वह एक पैसे से भरा हुआ ट्रक लाता है और यह सब देख के सबकी आंखें चौंधिया जाती। वह बहुत ही फेमस बन जाता है उस इलाके में। सिंडिकेट के सारे लोग उसे मानने लगते हैं और अपना सारा माल उसे ही देने लगते हैं। तभी एक नए इंस्पेक्टर की एंट्री होती है, भंवर सिंह शेखावत, जो हरियाणा से ट्रांसफ़र लिए आए हुए थे। वो बहुत ही डेंजरस होते हैं और सारे सिंडिकेट वाले लोग उनसे डरने लगते हैं। वह एक मीटिंग के लिए पुष्पा को बुलाते हैं लेकिन पुष्पा को से उनकी बात अच्छी नहीं लगती और उन्हें लगता है पुष्पा उसकी इंसल्ट कर रहा है। इसलिए वो पुष्पा को समझाते हैं कि पुलिस और एक गुंडे का फ़र्क क्या होता है और पुष्पा की इंसल्ट करते हैं सरनेम के नाम से। ये बात पुष्पा को बुरी लगती और वह अपने शादी के दिन उनसे बदला लेने की कोशिश करता और वह उसके सारे कपड़े उतार देता कि उसे फील लगे कि इंसल्ट क्या होती है। और फिर उसी के साथ वो अपने शादी के मंडप